नमस्कार, घरेलू उपचार में आपका स्वागत है। कहीं भी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हंसना मुस्कुराना स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद माना गया है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में होलिका दहन का एक टोटका बताता हूँ। यह टोटका गरीब व्यक्तियों के लिए है और गरीबी को दूर करने के लिए। ऐसा सौभाग्य दिन साल में एक बार ही मिलता है, तो आप इस प्रयोग को जरूर करें, क्योंकि फिर यह एक साल के बाद ही आपको फिर मिल सकता है। तो साथियों, हम सभी गरीब हैं, कुछ ही ऐसे लोग इंसान अमीर हैं। तो गरीबी दूर करने के लिए बहुत टोटके आपको मिलते हैं किसी भी माध्यम से। मैं बहुत दिया हूँ। तो गरीबी दूर करने के लिए आदमी तरह तरह की टोटकाएँ, उपाय, तंत्र, पूजा पाठ सभी आदमी करता है, विफल भी होता है, कुछ लोग सफल भी होते हैं। तो आज हम गरीबी को कैसे दूर करें, यह होलिका दहन के शुभ अवसर पर दिया जा रहा है। तो आप इस शुभ मौके को हाथ से न जाने दें, जरूर इसे करें। तो साथियों, सबसे पहले आपको कुछ इसमें सामग्री लेना होगा। तो पहले ध्यान से सामग्री को सुन लें। अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो दो बार देखें, तीन बार देखें, पूरी समझ में जब आ जाए तभी इस प्रयोग को करिएगा। तो पहले सुने सामग्री। एक काला कपड़ा लेना होगा थोड़ा सा, और काला तिल। काले तिल से सभी परिचित हैं, यह दो प्रकार का आता है, एक सफ़ेद एक काला। तो आपको काला रंग का तिल लेना होगा, और सात लौंग, और तीन पूजा वाली सुपारी, छोटी वाली। जी, जब आप बोलेंगे कि पूजा वाली सुपारी दो तो वह दे देगा। और 50 ग्राम पीली सरसों, और थोड़ी सी मिट्टी, यही मिट्टी जमीन वाली। तो यह रही आपकी सामग्री ही। अब जो है आपको विधिवत विवरण दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। एक काला कपड़ा लें और उसमें सात लौंग और 50 ग्राम पीली सरसों और तीन पूजा वाली सुपारी और काला तिल और थोड़ी सी मिट्टी लेकर सबको काले कपड़े में पोटली बांध लें या उसको गांठ जैसा लगा लें, और अपने ऊपर से सात बार उतार कर जलती होलिका में डाल दें। इस प्रयोग से धीरे धीरे गरीबी का नाश हो जाता है और गरीबी दूर, धीरे धीरे गरीबी आपका दूर होने लगेगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो यह रही होलिका दहन टोटका, गरीबी को कैसे दूर भगावें। तो सामग्री को सबसे ध्यान से आप देख लीजिएगा, सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तब इसको जो है होलिका दहन के समय इस प्रयोग को करना है। तो साथियों, ये रही गरीबी दूर करने का एक होलिका दहन टोटका। इसी तरह से हम आगे आपको एक से बढ़कर एक होलिका दहन का टोटका देता रहूँगा, और घर बैठे आप इस टोटके का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।